नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। सोशल मीडिया ग्रुप में आपत्तिजनक कमेंट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल रोहतास जिले के अमजोर थाना अंतर्गत सरैया गांव से जगतेंदु कुमार नामक एक शख्स को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि उसने लाइव तिलौतू नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक कमेंट किया था, जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों लगातार लोगों से निवेदन भी किया था कि वे लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, और इसी कड़ाई के मद्देनजर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार युवक जगतेंदु कुमार सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है और कोरोना वायरस को लेकर बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में आपत्तिजनक कमेंट करने का युवक पर आरोप लगा है। इस संबंध में उस युवक ने क्या कहा है, आइए उसका पक्ष भी सुनते हैं। ग्रुप है लाइव तिलौतू, उसमें एक लड़के का पकड़ने का खबर आया कि वो भाग कर कहीं से आ रहा था, तो सोन नदी में पकड़ा गया था वो। तो उस पर बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि लोग छुपा रहे हैं अपने लोगों को, कोई आ रहा है बाहर से, सगे संबंधी के यहाँ लोग भेज दे रहे हैं। तो उस पर हमने लिखा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये देश हित समाज हित में नहीं है। तो इसी पे हम लिखे कार्रवाई होना चाहिए ताकि हमारा देश और समाज बचे, हम ही पे कार्रवाई होगी। कहाँ घर हुआ आपका? झोर थाना तिलौतू सरैया। क्या नाम है? जगतेंदु कुमार। और नेशन भारत लगातार अपने दर्शकों से ये अपील भी कर रहा है कि पुलिस की कड़ाई बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अपने आप को सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं तो भड़काव भाषण, भड़काव बयानबाजी या फिर सौहार्द बिगाड़ने वाला जो भी कमेंटबाजी है वो आप ना करें, ये आपके भलाई के लिए होगा। बिहार की पुलिस लगातार इस पर नज़र रखी हुई है, भलाई इसी में होगा कि आप सौहार्द बिगाड़ने का समाज में काम ना करें। नेशन भारत अपील करता है पुनः, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।